ये देखिए, ये माश की दाल है और इसे मैंने बॉईल कर लिया था। इसमें एक कली मैंने छोड़ दी थी और साबित मसाले मिलाकर इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसकी दाल को मैंने 1 घंटे के लिए वॉश करके भिगो दिया है। मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें पानी डाल के मैंने दाल डाल दी थी। इतना इसको बॉईल करेंगे कि एक कनी रह जाए। बस इसको अब मैं निथार लूँगी। दाल को मैंने स्ट्रेनर में डाल के निथार लिया है। यहाँ पॉट में मैंने 1/2 कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। यहाँ मेरे पास है 8 से 10 काली मिर्चें हैं, साबित काली मिर्च है, 2 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े और यहाँ मेरे पास है साबित लहसुन। साबित मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी और यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैं इसमें डालूँगी। साथ ही इसमें मैं प्याज शामिल कर दूँगी। 1 अदद छोटी प्याज ली थी वो डालिए, बहुत बड़ी प्याज नहीं डालिए, छोटी सी टेप प्याज डालिए। और यहाँ मेरे पास टमाटर है, 1 टमाटर शामिल कर दूँगी इसमें मैं। थोड़ा सा उसे फ्राई करेंगे। मेरे पास ड्राई लाल मिर्चें हैं, मैं ये तो शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो गोल वाली साबित लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्च डाल दूँगी। थोड़ी देर इसको फ्राई करके अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और 1 टीस्पून में इसमें हल्दी डालूँगी। हल्दी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि हल्दी बहुत अच्छी होती है और स्वेलिंग वगैरह अगर बॉडी में कहीं होती है या कोई चोट होती है उसके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होती है। यहाँ मैं कुटा हुआ जीरा डाल दूँगी 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून। मैं फिर नमक शामिल करूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर लें। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी जो मैंने पहले से बॉईल करके रखी थी। अब इसको थोड़ी देर इसमें हम अच्छे से मिलाएंगे पहले, फिर थोड़ी देर बन के लिए रख देंगे। फिर ये खड़े मसालों की दाल हमारी तैयार हो रही है। 1-2 मिनट इसे फ्राई करके मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी 5 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बन चुकी है और ऑयल देखें कैसे आसपास से अलग हो गया है। और ये खड़े मसालों की बहुत अच्छी सी माश की दाल हमारी तैयार हो गई है। मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। माश की दाल को तैयार करने के बाद मैं डिश आउट करती हूँ। खिली खिली बनी है बिल्कुल अलग से, क्योंकि हमने इसे बॉईल कर लिया था और हमने साबित मसालों में इसे तैयार किया है। और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये दाल है, आप ज़रूर ट्राई करें और आपको बहुत पसंद आएगी मुझे उम्मीद है। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे कि आप ढाबे पे खा रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनी है और बहुत मज़े की दाल है। घर में बनी हुई चपाती से खाएं, तंदूर की रोटी से खाएं, नान से खाएं तो ये बहुत मज़ा देगी आपके। जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की दाल तैयार हुई है। आप ज़रूर बनाएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।